दोस्तों रेस 3 ने आज 10वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए सभी को चौंका दिया है। इस बार संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए रेस 3 के कलेक्शन में दोस्तों एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें रेस 3 सलमान की बाकी फिल्मों के मुकाबले काफी कम कमाई कर रही है। दोस्तों रेस 3 को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल किया जा रहा है, लेकिन इसको काफी ज्यादा जवाब मिला है सलमान की फिल्म की कमाई से, जो कि 3 दिनों में ही 106 करोड़ की कमाई कर गई थी। ये था सलमान के हेटर्स के मुंह पे तमाचा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रेस 3 ने 10वें दिन यानी कि दूसरे रविवार को कितने करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। बॉबी देओल, सलमान खान, शाकिब सलीम, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह जैसी बड़ी स्टार कास्ट से सजी फिल्म रेस 3 दूसरे रविवार को भी छाई रही। और दोस्तों इसने भारत को मिला के, पाकिस्तान को मिला के वर्ल्ड वाइड 10वें दिन का कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है दोस्तों 299 करोड़ रुपए। और ये 300 करोड़ के क्लब में भी आप जल्द ही जगह बना लेगी, और इसके बाद में 400 करोड़ का आंकड़ा भी दोस्तों छू लेगी। सलमान की बाकी फिल्मों के लिहाजे से रेस 3 थोड़ी कम लगती है, लेकिन दोस्तों 300 करोड़ का आंकड़ा हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए दोस्तों रेस 3 को इतना ट्रॉल करने के बावजूद भी 300 करोड़ के क्लब में जगह मिल गई है। अगर फिल्म और भी जबरदस्त होती तो ये फिल्म 600 करोड़ की हो सकती थी। आपको रेस 3 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप सलमान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।